नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उयेक देश। मैं रंजीत आज आपके सामने सनातन धर्म में बताए गए सात चक्र के टॉपिक को लाया हूँ। जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियो में आपको तत्व और तत्व में पंच भूतत्व के बारे में पता चला होगा, अब उसी पंच भूतत्व के द्वारा बनने वाले यह चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि चक्र क्या है। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, पर इसका संबंध सीधे शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की गति से है, इसीलिए इसे चक्र कहते हैं। पर वास्तव में यह त्रिकोण यानी ट्रायंगल शेप में है। चक्र एक प्रकार से ऊर्जा का केंद्र है, जिसे हम मेडिटेशन के द्वारा जगाते हैं। इन चक्र के द्वारा हम सृष्टि यानी नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, या सरल भाषा में कहे तो पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। यह चक्र शक्ति का संचार करता है और यह शक्ति हमें तत्व को समझने में मदद करती है। धार्मिक दृष्टि से यह चक्र हमें ब्रह्मांड को जानने में मदद करती है। दैनिक जीवन में योग के द्वारा इन केंद्र को जागृत कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति में है। आप इन्हें नाड़ियों के समागम या मिलने की स्थान पे कह सकते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 100 से भी अधिक चक्रों का स्थान है, परंतु मुख्य 7 चक्रों को माना जाता है। इन चक्रों को ब्रह्मांड के पंचभूत तत्व के साथ संबंध है। इन 7 चक्र के द्वारा हम पंचभूत तत्व के ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, और इन्हीं पंचभूत तत्व के ऊर्जा द्वारा हम नेचर को जान सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से सनातन हिंदू धर्म में पहले से ही हमारे ऋषि मुनि ऋषि द्वारा मेडिटेशन यानी योग द्वारा अपने चक्रों को जागरूक कर पंचभूत तत्व के ऊर्जा से अपने जीवन और शरीर पर प्रयोग करते थे और नेचर को समझते थे। और आज यही वेस्टर्न कल्चर के लिए भी यही चक्र के गुण और मेडिटेशन एक अपनी अलग पहचान रखता है। फिर भी ना जाने कैसे कोई हिंदू सनातन धर्म को कोई काल्पनिक और अंधविश्वास कह सकता है। आप मेरे पंचभूत तत्व वाले वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे पंचभूत तत्व से यह 7 चक्र जुड़े हैं। अब बात करते हैं 7 चक्रों की। तो 7 चक्र हैं मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनहत चक्र, विशुदा चक्र, अज्ञेय चक्र और सहस्त्र चक्र। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र मूल केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र निचला पेट है। मणिपुरा चक्र अग्नि तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र नाभि है। अनहत चक्र वायु तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र हृदय यानी हर्ट है। विशुदा चक्र आकाश तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र कंठ यानी थ्रोट है। अज्ञेय चक्र आकाश तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र हमारे भवों के बीच में है। सहस्त्र चक्र आकाश तत्व से संबंध रखता है और इसका केंद्र हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में है। यह सारे चक्र सिर्फ मेडिटेशन से ही प्राप्त होते हैं। अपने आप को एक जगह पर केंद्र कर आप अपने अंदर बसे वास्तविकता को समझने लगेंगे। वहां से शुरू होता है आपने अंदर एक एनर्जी का स्रोत, जो कि इन चक्र को जागरूक होने से प्राप्त होता है। यह समझ लीजिए कि यह चक्र ही एकमात्र रास्ता है ब्रह्म को समझने का। यह चक्र को जगाना और फिर इस पर काबू पाना अपने आप में एक चमत्कार है। सनातन हिंदू धर्म में कई ऋषि मुनि ऋषि ने इनको जगाने के तरीके और इन पे काबू पाने के तरीके को बताया है। इसे कुंडलियन पावर भी कहते हैं। आपने सुना ही होगा, लोग हवा में उड़ते हैं मेडिटेशन के द्वारा, या फिर जल या अग्नि पर काबू पाते हैं। यह सब चक्र का ही कमाल है। यह चक्र नेचर को समझने, एक आयाम से दूसरे आयाम को समझने में मदद करती है। यह चक्र हमारे शरीर को भी कंट्रोल करती है। दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्त्र चक्र के यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम के विकास की यात्रा है। अपने ऊर्जा को मूलाधार से अगय चक्र तक ले जाने के लिए कई तरह के आध्यात्मिक प्रक्रिया है और साधना है, लेकिन अगय से सहस्त्र तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। अगय चक्र के बाद आपकी डेडिकेशन
और स्थिरता, या यूं कहें स्वच्छ दिल और मन से आप अपने अंदर बसे परम जीव को ईश्वर से मिलने की भावना ही आपको उस जगह तक ले जा सकती है। यानी आपको आगे जाने के लिए एक ऐसे गड्ढे में कूदना है जिसका कोई अंत नहीं, और यदि आप सफल होते हैं तो आप परम सुख और ब्रह्म ज्ञान के मालिक होते हैं। लास्ट में इतना ही कहूँगा, दोज हु कंट्रोल द चक्र ही गॉट द गॉड, यानी जिसने चक्र पे काबू कर लिया वह परम सुख और परम आनंद का मालिक बन जाता है। अगले वीडियो में मैं 7 चक्र के पूर्ण डिटेल को लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।